क्लास टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर 13 स्मार्ट चार्ट्स। देर आर सम फ्लावर्स, दीज आर पर्पल, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज। फ्लावर्स आर डिफरेंट कलर्स। हैव यू बीन टू अ पार्क? क्या तुमने कहीं पार्क देखा है? व्हाट कलर फ्लावर्स डिड यू सी? तुमने वहां किस रंग के फ्लावर देखे? वर मोस्ट ऑफ फ्लावर्स येल्लो इन कलर? वहां पे जो है क्या वहां पे येल्लो कलर के फ्लावर ज्यादा थे? लुक एट द पिक्चर, डिफरेंट फ्लावर्स इन पिक्चर, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे डिफरेंट कलर डिफरेंट फ्लावर्स को देखो और इस टेबल को कंप्लीट करो। ठीक है, ब्लू ब्लू फ्लावर्स हमारे ये रहे। नंबर ऑफ फ्लावर्स, इनको काउंट करो कितने हैं नंबरिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबरिंग में 9 है तो हमने यहाँ पे 9 लिखा। रेड फ्लावर, रेड फ्लावर्स हमारे ये रहे। हाउ मैनी आर दीज फ्लावर्स? 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर रेड 7 रेड फ्लावर्स। ऑरेंज, ऑरेंज फ्लावर्स कहाँ पे? 1 2 3 4 5, देयर आर 5 ऑरेंज फ्लावर्स। पर्पल फ्लावर कहाँ पे? पर्पल फ्लावर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, देयर आर पर्पल फ्लावर्स मोस्ट इन नंबरिंग। नंबर में ये सबसे ज्यादा है पर्पल फ्लावर्स हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग जो हमने पीछे हमने फिल किया है। ड्रॉ द राइट फ्लावर, हमने फ्लावर को यहाँ पर ड्रॉ करना है। राइट, हाउ मैनी आर देयर, कितने हैं ये? डैश आर फ्लावर मोस्ट इन नंबर, सबसे ज्यादा नंबरिंग में कौन से हैं? सबसे ज्यादा नंबरिंग में पर्पल, पर्पल कलर के फ्लावर कैसा ये वाला है, उसकी पिक्चर आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है और इसमें पर्पल कलर फिल करना है। हाउ मैनी, कितने हैं वो? 10 है। डैश आर लीस्ट, मोस्ट का मतलब ज्यादा होता है और लीस्ट का मीनिंग कम। नंबर में सबसे कम कौन से हैं? ऑरेंज फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर नंबर में सबसे कम है। ऑरेंज की पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करो और पिक्चर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे उसमें ऑरेंज कलर फिल करना है आपने। हाउ मेनी, कितने हैं ये? 5। नंबर सी, डैश आर मोर देन डैश, ये वाला फ्लावर जो है वो इससे ज्यादा है। अब ये कौन सा वाला है? ये है ब्लू फ्लावर्स आर मोर देन रेड फ्लावर्स, है ना? जो ब्लू फ्लावर्स है देखो वो 9 है और रेड फ्लावर 7 है, तो ब्लू फ्लावर्स आर मोर देन रेड, ब्लू फ्लावर जो है रेड फ्लावर से ज्यादा है। डैश आर मोर देन, और ये इससे ज्यादा है कौन सा? पर्पल फ्लावर जो है वो ऑरेंज वाले से ज्यादा है। पर्पल फ्लावर आर मोर देन ऑरेंज फ्लावर, हम आगे पर्पल की पिक्चर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ऑरेंज वाले की, आपने इस तरह करना है। व्हाट डू वी सी ऑन द रोड, अपने रोड पे क्या देखा? लुक एट द ट्रैफिक सीन इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रैफिक सीन की पिक्चर को देखो और ये फिल अप जो टेबल्स हैं इसको कंप्लीट करो। ठीक है, वे ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल का वे देखो, वॉकिंग पीपल, बाइसिकल्स, स्कूटर्स, और मैंने यहाँ पे कार, बसेस और जीप लिखी हमने ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। वॉकिंग पीपल कितने हैं देखो, यहाँ पे काउंट करो, पैदल चलने वाले पीपल कितने हैं, लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग जो है देखो पैदल चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 7। बाइसिकल्स कितनी है, साइकिल देखो कितनी है बाइसिकल्स में, बाइसिकल यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 5% है बाइसिकल में। और स्कूटर्स यहाँ पे कितने? बाइसिकल्स है, हमने केवल बाइसिकल काउंट करनी है, ना कि उनमें जो राइडर हैं उस चलाने वाले उनको नहीं काउंट करना। ओनली यहाँ पे देयर आर 2 बाइसिकल्स, 1 एंड 2, तो फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा? 2। स्कूटर्स, स्कूटर कितने हैं? 1 2 2, यहाँ पे जो स्कूटर्स हैं स्कूटर्स केवल कितने हैं? 1 2, ओनली 2 स्कूटर्स हैं। और यहाँ पे कार्स हैं, कार कितनी है? 1 2 एंड 3, 3 कार्स हैं। ठीक है, ये 3 कार्स हो गई। ये रही बसेस कितनी है? 1 2 3 4, बसेस 4 हैं। और कैमल कार्ट, कैमल कार्ट कितना है केवल यहाँ पे? 1 ही है, कैमल कार्ट है, बुल्लो कार्ट है, ये जो भी है बुल्लो कार्ट है, सॉरी कैमल कार्ट नहीं है, बुल्लो कार्ट है, तो यहाँ पे बुल्लो कार्ट केवल 1 है। हाँ जी बेटे, बुल्लो कार्ड है, बुल्लो कार्ड कितने हैं यहाँ पे? बुल्लो कार्ड केवल 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। ठीक है, 1 हो गया, और उसमें क्या हो गया? अब आगे इस टेबल को देखिए, हमने यहाँ पे कुछ आंसर्स फिल करने हैं। इन द पिक्चर
विच वे ऑफ ट्रेवल डू यू सी द मोस्ट? पिक्चर में सबसे ज्यादा ट्रेवल करने वाले को कौन सा आप देख रहे हो? सबसे ज्यादा कौन से है? देखो टेबल के अकॉर्डिंग जो है वॉकिंग पीपल, जो पैदल चल रहे हैं लोग वो सबसे ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे? वॉकिंग पीपल। नंबर बी है तुम्हारा विच वे ऑफ ट्रेवल व्हीकल्स डू यू सी द लिस्ट? सबसे कम कौन सा है व्हीकल बताओ? बुल्लो कार केवल वन है, तो हमने केवल वन, सबसे लिस्ट, लिस्ट मीन्स कम, सबसे कम व्हीकल कौन सा? बुल्लो कार्ट। नंबर सी है द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ डैश। नंबर ऑफ पीपल जो पैदल लोग चल रहे हैं उनकी काउंटिंग जो है नंबरिंग ज्यादा है किससे ज्यादा है? बाइसिकल से। बाइसिकल की ओनली टू है और उनकी कितनी? सेवन है, तो बाइसिकल्स लिखा है। द नंबर ऑफ बसेस इज लेस देन ऑफ द स्कूटर। बसेस की जो है, बसेस इज लेस देन, बस जो है कम है स्कूटर से कम नहीं है। बस किससे कम है? बस वॉकिंग पीपल आएगा यहाँ पे, स्कूटर नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? वॉकिंग पीपल, नंबर ऑफ वॉकिंग पीपल। ओके, ये सही कर लेना अपना। आगे देखो, आगे हमारे पास ये है, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट सिक्स। तुमने कितनी बार सिक्स गेट किया? हैव यू प्लेड दिस गेम, एनी गेम विद डाइस? क्या तुमने इस तरह का गेम खेला है डाइस से? हाँ जी, हमने कई बार खेला है। तो यस लिखेंगे हम यहाँ पे। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाई? डाई की जो डिफरेंट फेसेस में कितने डॉट्स होते हैं, इसको हम टोटल कर लेंगे। सिक्स होते हैं, वन साइड फाइव होते हैं, फोर भी होते हैं, थ्री भी, टू भी, वन भी, तो इन सबका हम टोटल करेंगे। तो इनका टोटल करने के बाद, हम ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगा आंसर क्या आएगा? 21 आएगा। तो 21 हमारे डॉट्स हो गए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास थ्रो अ डाई, लुक एट द नंबर ऑफ डॉट यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाइस फॉर इच। इन्होंने कहा डाई को फेंको और देखो इसमें क्या क्या है, इनको मार्क करना आपने। तो आप देखो, इन्होंने बोला है कि राबिया थ्रू हर डाइस 30 टाइम। अगर वो 30 टाइम डाइस को फेंकेगी और उसके जो है थ्री थ्री डॉट जो है 5 टाइम आएंगे, तो वो कैसे लिखेगी? थ्री डॉट्स को इस तरह से लिखेगी 5 टाइम में। तो ये कितना टाइम्स? कितना? 30 होना चाहिए टोटल में सारा का सारा। इसे 30 से जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम इसको चेक करेंगे, इसे एक बार करके देखेंगे इसे हम, ठीक है बेटा। उसे 30 टाइम उसको फेंकेगी और उसको अपने टेबल को मार्क करना है। जैसे वन है, वन कितने टाइम फेंका उसने? वन जो डाइस, उसने डाइस को फेंका, वन कितनी बार आया? वन आया, वन टू थ्री, 4 टाइम वन आया, तो हमने 4 लिखा। डाइस को उसने फेंका तो उसने कितना, टू डॉट्स जो है कितनी बार आए? 1 2 3 4 5, 2 डॉट्स जो है 5 टाइम आए, ठीक है। उसके बाद 3 है, 3 डॉट्स कितनी बार आए? 3 बार आए। 4 डॉट्स कितने टाइम आए? 4 टाइम आए। 5 डॉट्स कितने टाइम आए? 6 टाइम आए। 6 डॉट कितने टाइम आए? 8 टाइम आए। अगर हम इन सब का टोटल करेंगे ना, तो ये हमारा 30 होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी बार फेंका। इतनी बार वन जो है 4 टाइम आया, 2 5 टाइम आया, 3 3 टाइम आया, 4 4 टाइम आया, 5 6 टाइम आया, 8 6 जो है 8 टाइम आया, 5 4 9, 10 11 12 12 and 4 18 18 and 6 18 19 20 21 22 23 24 24 and 30 आएगा. अब इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है कुछ क्वेश्चन है हमारे पास ए है विच फेस ऑफ डाई डिड यू गेट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम कौन से फेस का डाई जो है सबसे ज्यादा आया है, सबसे ज्यादा कौन सा? 8 टाइम कौन सा? 6। हमें डाइस में जो 6 डॉट वाली पिक बना देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यही आई है। नंबर टू है हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 डाई कम? 6 डाइस कितनी बार आई है? 6 टाइम की डॉट वाली 8 टाइम आई है। 4 डॉट वाली जो है वो कितनी, किससे ज्यादा है? 4 डॉट वाली जो है, 4 डॉट वाली 3 वाली से ज्यादा है, ठीक है, 3 डॉट बना दिए इसमें। कंपेयर योर टेबल विद दैट, इसमें मतलब अपने टेबल को कंपेयर करो आपके साथ जो बच्चा बैठा हुआ है उसके साथ, है ना, ये सब कर लोगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे है कि टॉक टू द पीपल अराउंड यू अबाउट फेवरेट स्वीट्स, लोगों से बात करो जो आपके आसपास हैं कि उनको कौन सी स्वीट्स कितनी ज्यादा पसंद है। जलेबी कितने लोगों को पसंद है, यहाँ पे बर्फी कितने लोगों को पसंद है, रसगुल्ला कितने लोगों को पसंद है, छेना मिठाई किसको पसंद है, और ये काजू कतली कितने लोगों को पसंद है, और कौन सी होती है एक वो रसमलाई कितने लोगों को पसंद है। आप इस तरह से लिखो और इसके अकॉर्डिंग करना, सबसे ज्यादा स्वीट किसको कौन सी है, सबसे कम स्वीट कितने कौन सी, सबसे कम स्वीट
ऐसी कौन सी जिसको लोग कम पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन कर लेना, है ना। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है आपकी, ये गेटिंग स्मार्ट विथ चार्ट, अटेंडेंस बोर्ड है आपका, डेट 8 फरवरी 2007, एक क्लास ये है 1 2 3 4 5 फिफ्थ क्लास तक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, प्रेजेंट उसमें से इतने भी हैं, अब्सेंट इतने हैं, ठीक है। दिस बोर्ड शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, ये बोर्ड जो है हर क्लास के स्टूडेंट्स को शो करता है। इट आल्सो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट एंड एब्सेंट, जिसमें से हमें पता चल जाता है कि हाँ भी इसमें इतने प्रेजेंट है और इतने बच्चे एब्सेंट है। हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल देयर इन द स्कूल, स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, इन्होंने बोला है टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल स्ट्रेंथ को काउंट कर लेंगे हम, इधर से कितने बच्चे आए हैं, टोटल बच्चे काउंट करेंगे हम, 7 and 3 10 4 14 15 16 17 18 19 20 21, 2 हमारे यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 121 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन है। हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल एब्सेंट ऑन दैट डे, इस दिन 8 फरवरी को कितने बच्चे एब्सेंट थे, एब्सेंट वालों को टोटल कर लेंगे हम, 2 3 3 3 6 10 12 12 स्टूडेंट जो हैं उस दिन एब्सेंट थे, ठीक है। टेबल के अकॉर्डिंग आपने इनका आंसर फिल किया है। ऐसे देखो एब्सेंट स्टूडेंट को इन्होंने बोला है कि चार्ट में बना के दो, वन क्लास वन में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 2, तो 2 फेस बना दिए, क्लास 2 में कितने बच्चे एब्सेंट है, 1 फेस बना दिया, क्लास 3 में कितने बच्चे एब्सेंट है, 3, तो 3 फेस बना दिए, 4 में इतने तो 4, और 5 में कितने बच्चे एब्सेंट है, 2, तो 5 में कितनी पिक बनाओगे आप, 2। दिस चार्ट शोज द नंबर ऑफ एब्सेंट इन ईच एब्सेंट स्टूडेंट इज शोन, इन्होंने बोला हर बच्चे को एब्सेंट को इस तरह से फेस में शो करो, है ना। ये हमने इसे यहाँ कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हम इनको कर लेंगे। द क्लास विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इन द, ऐसी क्लास कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट हैं, कौन सी क्लास है वैसी, फोर्थ क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लास 4। क्लास 4 कर दिया। द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज, ऐसी क्लास जिसमें सबसे कम बच्चे एब्सेंट है, सबसे कम बच्चे किसमें एब्सेंट है, क्लास 2 में सबसे कम बच्चे एब्सेंट है। द क्लास विद 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट इज, ऐसी क्लास जिसमें केवल 3 बच्चे एब्सेंट है, ओनली 3, 3 किसमें है, क्लास 3 में ही 3 बच्चे एब्सेंट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन फोर्थ एंड फिफ्थ आर कितने, फोर्थ में कितने हैं और फिफ्थ में कितने हैं, 4 में हमारे 4 बच्चे एब्सेंट है और 5 क्लास में 2, है ना, इस तरह से है ये। हाउ लॉन्ग इज योर हैंड, तुम्हारा हाथ कितना लंबा है, मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स का अपना ग्रुप बनाओ, एंड कट द स्ट्रिप ऑफ वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर से स्ट्रिप बनाइए, कटिंग करके ना उनकी पतली पतली पट्टियां बनाओ, द स्ट्रिप शुड बी ऑफ सेम विड्थ, और जो स्ट्रिप है ना वो सबकी सेम चौड़ाई में होनी चाहिए, मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड, और इसमें जो है हर बच्चे का हाथ को उसमें उसकी लेंथ को नापो पेपर स्ट्रिप से, कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम, बस इन्होंने बोला कि इसको नापो कि हाँ भी कितनी कितनी स्ट्रिप है इसकी और नेम लिखो, इस तरह से है, ठीक है। ये आपका क्लास है, यहाँ पे इन्होंने देखो उसके स्ट्रिप के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको यहाँ पे इसे करना है। रोहन जॉकेब गीता आल्सो मेजर देयर हैंड दे स्ट्रक देयर स्ट्रिप एज शोन, ठीक है। लेंथ ऑफ हैंड रोहन की 8 सेंटीमीटर है और गीता की 9 है और जैकोब की कितनी है, 10 है। लुक एट द पिक्चर फिल इन द ब्लैंक्स, द लेंथ ऑफ द जैकोब्स हैंड, जैकोब्स का हाथ जो है गीता के हैंड से कैसा है, मोर है या कम है, मोर मिस बड़ा या लेस मिस कम, जैकोब का हैंड 10 है और गीता का 9 है, तो इसका जैकोब का हैंड कितना, मोर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर बड़ा। द लेंथ ऑफ गीताज हैंड, गीता का हैंड रोहन के हैंड से, गीता का हैंड 9 है रोहन का 8 है, तो गीता का हैंड जो है रोहन से बड़ा है, यहाँ भी क्या आएगा, मोर, है ना, ज्यादा बड़ा है गीता का रोहन से। डैश हैज लॉन्गेस्ट हैंड, सबसे लंबा हाथ किसका है, जैकोब का, जैकोब्स हैज लॉन्ग हैंड, सबसे छोटा किसका है, द शॉर्टेस्ट हैंड, सबसे छोटा किसका हाथ है,
सबसे छोटा रोहन का, रोहन्स एंड रोहन्स हैज लॉन्गेस्ट एंड द. अब इन्होंने बोला है द इन द चार्ट बिलो स्टिक एंड स्ट्रिप ऑफ द क्लास स्टूडेंट फ्रेंड्स इन योर ग्रुप कीप सम स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप. इन्होंने बोला है कि यहाँ पे अपनी स्ट्रिप को बनाइए, लेंथ यहाँ पे कर लो आप कितने तक, 10 सेंटीमीटर तक, 2 यहाँ पे 0, 4, 6, 8 और 10. ठीक है, अब यहाँ पे नेम देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसका हैंड है, ये रोहन का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक उसका. ठीक है बेटा, यहाँ पे जो है ये चार्ट में मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में इसकी मैंने 12 तक जो है इसके सेंटीमीटर में इसकी लेंथ को शो कर दिया. और आपको भी जो है इस तरह से स्ट्रिप बनानी है ऑफ ऑल फ्रेंड्स इन योर ग्रुप, अपने ग्रुप के सभी दोस्तों के नाम कर दो. तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिए, 1 जैसे रोहन का, यहाँ पे किसी का नेम लिख लो आप, यहाँ पे आप जैसे गीता की जगह किसी दूसरी का लिख लो, जॉकब की जगह आप किसी और का नेम लिख लो, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जैसे इन्होंने बनाया ना इस तरह से आप उसको यहाँ पे चार्ट बनाओ. ठीक है बेटा, और इस आगे वाले क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करने सारे हैं.